नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17। और इसमें हम लोग आज वायु के बारे में जानेंगे। वायु, आप जानते हैं कि वायु क्या होती है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं और हमारे चारों ओर फैली हुई है, उसको वायु कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मान लीजिए यह पृथ्वी है, धरती है, तो इसके चारों ओर नीले रंग की, आप नीला रंग ले लीजिए और देखिए इसमें इस तरह की, ये इसको दर्शाइए, इस तरह से वायुमंडल इसके चारों ओर फैला हुआ है। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले होने के कारण और एक मंडल बनाने की, एक आवरण बनाने के कारण इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। मतलब वायु का जो आवरण है या वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं, वह वायुमंडल से ही हमें मिलता है। एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और वायुमंडल में ऐसी गैसें हैं कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, तो वो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा हो जाती है, ये यहाँ से लौट जाती है। अगर ये किरणें धरती पर आ जाएं तो धरती पर बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और धरती का तापमान भी गर्म होने लगेगा, आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे यहाँ की जो जीव जंतु हैं वो सभी मर जाएंगे। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल क्या करता है कि इससे जब गर्मी वापस होकर इधर लौटती है तो यह पुनः धरती की ओर लौटा देता है, जिससे कि यह वायुमंडल गर्म रहता है और हमें बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगती है। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो कितना महत्वपूर्ण है वायुमंडल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। हम जिस वायु का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, तो उसमें बहुत सारी गैसें मिली होती है। जैसे ये आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा जो आवरण है, यह है नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन कितना है, 78%। तो सोच लीजिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। और उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, यह है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और उसके बाद ऑर्गन 0.93% और अन्य सभी गैसें 0.04%। ओके, समझ गया। तो इस तरह से हम जिस वायु को सांस में लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य बहुत सारी गैसें। अब बात करते हैं नाइट्रोजन पर, जो कि 78% है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ऑक्सीजन 21% है और प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, जो सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मनुष्य और जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। मनुष्य या कोई भी जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन O2 छोड़ता है, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। तो और पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में O2 और CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है और उसका जो संतुलन है वह बना रहता है। अब है वृक्षों की उपयोगिता। वृक्ष कितने उपयोगी है हमारे लिए। तो यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। संतुलन इसलिए बिगड़ जाता है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो फिर उनको ऑक्सीजन कौन बनाएगा अगर हम पेड़ काट देंगे। तो इस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारे लिए ऑक्सीजन घट जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ेगा और जीव जंतु का जो जीवन है वह खतरे में पड़ जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़
लगाने चाहिए। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, एक महत्वपूर्ण गैस। आप यहां देखिए पीले रंग में दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, मतलब पृथ्वी से जो ऊपर ऊष्मा जाती है पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब हुआ कि इस तरह का अगर आवरण बना हुआ है और पृथ्वी से इधर गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या काम करेगी, वो पूरा पृथ्वी पर लौटा देगी और पूरे वायुमंडल को गर्म रखेगी, जिससे कि हमारे वायुमंडल में आवश्यकता भर गर्मी बनी रहती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पूरा विश्व गर्म होता है तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आज के वर्कशीट में जाने। अब कुछ प्रश्न है जो कि हमें इसी वर्कशीट से लिखना है, तो चलिए इन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल क्या है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है, देखिए ऊपर में दिया हुआ है एक लाइन में कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो इतनी बातें लिखनी है, यह प्रश्न एक का उत्तर हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा। और अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। तो यहां देखिए, यहां से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, इसका किसका, यहाँ CO2 लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यहां से यहां तक लिखिए, ये इसका उत्तर हो गया। और अब है प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में संकेत है कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब है दूसरा कि डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं आप इसको। और उसके बाद है कि पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो भूमंडलीय तापन कह सकते हैं आप इसको, यहां लिखिएगा। भूमंडलीय तापन, इसको इस जगह पर भर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसका फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। अब है नेक्स्ट कि मिलान करिए। मिलान करना है वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, तो आप इसको इससे मिलान करिए। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, तो ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीजन की मात्रा से मिलान करिए। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%, तो इसको इससे मिलान करिए। और आर्गन है 0.93%, तो आप इससे मिलान करिए। और अन्य गैसें हैं 0.04%, तो इसको आप इससे कैसे मिलान कीजिए। मतलब एक का हो गया ग, दो का हो गया घ, और तीन का हो गया ख, चार का अंग, और पांच का हुआ क। तो इस तरह से आप इसको मिलान करके लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।